गुड मॉर्निंग गाइस, आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं विद चेकिंग आउट फ्रॉम ताज सांता क्रूज होटल एंड माय स्टे वाज अमेजिंग ओवर हियर. सो एज ऑलवेज ताज प्रॉपर्टीज आर द बेस्ट, आई जेन्युइनली बिलीव इट आल्सो. एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बॉम्बे अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और थोड़े से ज़रा एप्रिहेंसिव हैं कि कोरोना को लेकर के, तो आपको ताज में रहना चाहिए बिकॉज दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो एंड आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम. ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे को बोलना ज़रूरी है, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं वरने ये वाली बात. बट एनी वेज आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ एंड ऑन माई वे बैक टू दिल्ली थोड़ा सा ज़रा देखेंगे कि एयरपोर्ट पर क्या क्या चल रहा है एंड सो ऑन. बट पहले जरूर जाकर के थोड़ा सा खाना खाएंगे बिकॉज आई एम नॉट गोना ईट एनीथिंग इन द फ्लाइट एंड या लैंड बैक होम इन दिल्ली. तो गाइज मैं अभी रोहिणी के साथ थोड़ा सा ज़रा इंस्टाग्राम स्टोरीज बना रहा था, तो रोहिणी ने कहा कि लुक पोजेस्ट. ओके, तो अब मैं आपको दिखा दूँ. देखो, अगर मेरे को पोजेस्ट लुक करना होता तो आईज जैसे ऊपर रोल अप कर लेता लाइक दिस एंड स्टफ. ठीक है, सो आई कैन डू दैट. दिस इज व्हाट रोहिणी केम अप विद. यू कांट डू दैट यार, नो. I've checked in Bombay International Airport पे, मगर I'm not joking, जितना traffic Delhi के International Airport पे उतना Bombay के Airport पे तो बिल्कुल भी नहीं है. It is literally खाली. Check this out. Guys, मुझे ये बताओ, आप लोगों के भी यही कीड़ा होता है कि time पे आने का, या मैं एक अलग ही Indian हूँ जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब नहीं रखता? क्योंकि पता नहीं क्यों, शायद मेरे को जिस तरीके से मेरे फादर जो सर्विसेज में रहे हैं एवरीथिंग, तो उन्होंने हमेशा ये डाला है कि हर जगह पे टाइम पे पहुंचो. और मुझ में मतलब वो इरिटेशन सी हो जाती है अगर मैं कहीं पे टाइम पे ना पहुंचूं या टाइम से पहले पहुंच जाऊं. आई मतलब माइंड इज़ एट ईज. और मेरे को बिल्कुल जो एयरपोर्ट पे भागते हुए जो लोग दिखते हैं ना, बिल्कुल एंड में हाँफते हुए जो आते हैं, मेरे को वैसी सिचुएशन कभी करनी नहीं होती. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, आई एम नॉट जोकिंग, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है. कैन यू इमेजिन? तो आई मीन, अगर आप ऐसे हैं जो बिल्कुल हर जगह लेट पहुँचते हैं, या फिर आप भी बिल्कुल टाइम पर पहुँचना पसंद करते हैं. गाइस, मतलब मुझे ना इतना बुरा लगता है क्योंकि काफ़ी लोगों का काम जो था वो बिल्कुल इस ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इस पूरे सेक्टर पे डिपेंडेंट था. और अब बिकॉज ऑफ द पैंडमिक जिस तरीके से इफेक्ट करा है, जिस तरीके से सब कुछ यू नो डाउनवर्ड स्लोप पे चल रहा है और थोड़ा थोड़ा आई मीन ओपन हो रहा है, आई एग्री, बट वो उस लेवल तक अभी पहुँचा नहीं है. एंड आई थिंक ओनली एंड ओनली इफ वी एज इंडियंस मेक एन एफर्ट टू बीट कोरोना बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, तभी कुछ हो पाएगा. क्योंकि बॉम्बे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम नॉट जोकिंग, एटलीस्ट एयरपोर्ट में 100% लाइक मतलब दूर दूर तक कोई भी दिख रहा है एंड सो ऑन. बट मे बी ज़्यादा फ्लाइट्स जा नहीं रही हैं यहाँ से, मगर इन टोटल इन बॉम्बे बिकॉज इट्स सो कॉम्पैक्ट, लोग वैसे ही इतने पास पास हैं, तो थोड़ा ज़रा डर लगता है. बट होगा, टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट. ये जो बॉल है, बॉल तो खेलने दे. दिखाता है, देता नहीं है. वो कितनी बुरी तरह हार रहा है तू. अरे यार, एक चीट कोड लगाता है, सबको पता है ये बात. वैसे ये तो है, ये चीट कोड जरूर लगाता है फॉर श्योर. देख, मैं गोल करता हूँ तो कोई उठता नहीं है, ये गोल करता है तो सब उठ के खेलने लग जाते हैं. ऐसे बड़े कमीने प्लेयर्स हैं तेरे फीफा के हैं. देखो, ले घास कैसी करी हुई है, ऐसी घास होती है.
फाइनली रीच्ड होम, वापस दिल्ली आ गया हूँ और घर आते के साथ ही मेरे को पहले तौलिया पकड़ा दिया गया कि जाकर के ना करके आ एंड वेल आई शुड, दैट इज़ द वे टू बी सेफ एंड सो ऑन. तो पहले ज़रा जाकर के नहा लेते हैं, बट आई विल नॉट कीप यू गाइस लॉन्गर देन दैट बिकॉज वैसे भी लेट हो गया है एंड आई एम ऑल्सो टायर्ड फ्रॉम ऑल दिस कोविड ट्रैवल एंड एवरीथिंग. तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करेंगे एंड आई होप यू गाइस आर लविंग द कंसिस्टेंसी बिकॉज मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ ये लग रही है कि आप लोग कॉमेंट में हर चीज़ को नोटिस करके बता रहे हो. एंड बिलीव मी गाइज, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर आप कुछ बताते हो जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो बेस्ट चीज़ होगी फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि ये यूट्यूब की जर्नी जो है वो मेरे लिए भी बहुत नई जर्नी है और रोज़ व्लॉग बना करके एडिट करके डालना मुश्किल है और ये मेरा 10वां व्लॉग होगा. तो 10 व्लॉग्स इन अ रो इज़ प्रीटी गुड, ठीक है. तो इवन इफ आई से सो फॉर माई सेल्फ, तो yeah, I'm just happy that I'm doing it and because all of you are my motivation to do it. So please stick around with me. I mean it from the bottom of my heart that you guys are helping me out a lot. तो अपने प्लीज़ कॉमेंट्स और सजेशंस देते रहिएगा, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है. और यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा अडॉप्ट करने के लिए कहता हूँ कि भाई हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करो, उनको मोटिवेट करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि दूसरे आदमी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उस चीज़ की और जितना आप करोगे उतना ही यू विल फील बेटर. एंड विद दैट गाइज आई वॉन्ट टू एंड द ब्लॉग हियर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. स्टे सेफ, स्टे सेक्सी.